तंबाकू, वो जहर जिसके कारण हर साल हमारे देश में 13.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये एक चीज जिसके कारण हर साल हमारे देश को 1,77,000 करोड़ का नुकसान होता है। आज उसी चीज को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है इस एक कंपनी ने, जिसका नाम है ITC। वही कंपनी जो हमारे पढ़ने के लिए नोटबुक्स बनाती है, सनफीस्ट और डार्क फैंटेसी जैसे बिस्किट्स बनाती है, और चॉकलेट्स और फ्रूट जूसेस के साथ साथ भगवान की पूजा करने वाली अगरबत्तियां भी बेचती है। और अगर हम पिछले 2 सालों में देखें तो ITC का शेयर प्राइस 112% से भी ज्यादा से बढ़ा है। वहीं पर उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो कि HUL, उसका शेयर प्राइस सिर्फ 7% से ही इंक्रीज हुआ है। तो अब सवाल ये कि आखिर एक ऐसी कंपनी जिसने तंबाकू बेचने से अपने धंधे की शुरुआत करी, आखिर उसने ऐसा क्या किया कि आज वो इंडिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बनकर बैठी है, और ITC आज आखिर ऐसा कर क्या रही है कि उसका शेयर प्राइस इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आखिर वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसंस हैं जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। होटल, सिगरेट, FMCG और पेपर कारोबार की दिग्गज कंपनी ITC। The newsbreak has confirmed that ITC is going to be re-emerging its hotel business. That announcement has come in. ITC will be reporting its first quarter numbers today. Profits have beat estimates, coming in at 5,031 crore. Revenue was at around 16,226 crore rupees. FMCG business, which is a 20,000 crore turnover business, the tobacco business, cigarette business, would you still say it as a young and a high growth business for ITC? Absolutely. तो एक कहानी शुरू होती है 24 अगस्त 1910 में, जब एक ब्रिटिश बेस्ड टबैको मैन्युफैक्चरर WDNHO हिल्स ये इंडिया के अंदर अपने टबैको बिजनेस को एक्सपैंड करना चालू करते हैं। और उस वक्त पर जो ITC है, इस कंपनी का नाम हुआ करता था इंपीरियल टबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और अपनी शुरुआत के एक साल के बाद ही ये कंपनी साउथ इंडिया के जितने भी फार्मर्स हैं उनके साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड करती है, और अपनी इसी पार्टनरशिप को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए ये कंपनी साल 1912 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडियन लीफ टबैको डेवलपमेंट लिमिटेड इस कंपनी की शुरुआत करती है। अब ये इनके धंधे में वो पॉइंट था जब ITC ये नोटिस करती है कि देखो टबैको का काम तो बढ़िया चल रहा है, मगर इसकी वजह से लोग हमें अच्छी नजर से नहीं देख पाते, तो आखिर अब हम करें तो करें क्या। तो ये लोग प्लान ये बनाते हैं कि हम लोग अलग अलग बिजनेसेस में एक के बाद एक करके अपनी एंट्री लेंगे, और अपना जो ब्रांड नेम है ITC, इसको धीरे धीरे बड़ा करते जाएंगे। और अब इसी चीज के ऊपर रिसर्च करते करते साल आ चुका था 1913। लेकिन देखो, होता ये था कि जो कंपनी थी वो अब तक फार्मर से टबैको को सोर्स करती थी, उसके बाद उसको अपनी फैक्ट्रीज में रिफाइन करके या तो एक्सपोर्ट कर देती थी या फिर डायरेक्ट मार्केट में बेच देती थी। लेकिन समझो, अभी तक ITC के पास अपना खुद का कोई टबैको का प्रोडक्ट नहीं था, और इसीलिए साल 1913 में ITC बैंगलोर के अंदर अपनी पहली सिगरेट फैक्ट्री की शुरुआत करती है। और ये पहली ऐसी कंपनी बनती है जिसने इंडिया के अंदर सिगरेट को इस लेवल पर प्रोड्यूस किया। और फिर 24 अगस्त 1926 को ITC अपने 16वें बर्थडे पर 37 चौरंगी कोलकाता के अंदर 3,10,000 रुपए खर्च करके एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग को खरीदती है। उस वक्त पर ये जो बिल्डिंग थी इसको वर्जीनिया हाउस कहते थे, और यही बिल्डिंग बनती है ITC का हेडक्वार्टर। अब देखो, साल 1946 आते आते सिगरेट बिजनेस के अंदर ITC ने अपनी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत कर ली थी, इसीलिए फिर इन्होंने ये देखा कि टिश्यू पेपर बनाने की किसी दूसरी कंपनी को खरीदने की बजाय क्यों ना हम अपनी एक फैक्ट्री लगा दे जो कि सिगरेट के टिश्यू पेपर्स को बनाएगी। और इसी आइडिया के 3 साल के बाद यानी कि साल 1949 में मद्रास के अंदर ITC एक प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी को डेवलप करती है। क्यों? ताकि अब जो सिगरेट की पैकेजिंग है वो भी ITC ही करके दे। फिर धीरे धीरे जब इंडिया के अंदर सिगरेट की डिमांड बढ़ने लगी तो कंपनी को ये समझ में आया कि अब हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए साल 1953 में जाकर टबैको मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, और प्रिंटर्स लिमिटेड, इनके प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स, इन दोनों को ITC खरीद लेती है। और अब देखो, ये वो वक्त आ चुका था जब ITC अपने सिगरेट बिजनेस के लिए पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन चुकी थी। और पता है, इसी बीच ITC का इंडियनाइजेशन भी बहुत ही तेजी से हो रहा था। जहाँ पर साल 1953 के अंदर कंपनी का सिर्फ 6% ही हम इंडियंस के हाथ में था, वहीं पर साल 1970s आते आते तक इस कंपनी का 40% से भी ज्यादा स्टेक हम इंडियन स्टेक होल्डर्स के हाथ में आ गया था। तो टबैको की सोर्सिंग से लेकर उसको रिफाइन करना, उससे प्रोडक्ट बनाना, और प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग करके उसको मार्केट में बेचना, जितना भी कुछ एक सिगरेट को बनाकर कस्टमर के हाथ में देने तक लगता है ना, वो सारी चीजें अब ITC के कंट्रोल में आ चुकी थी। और फिर आता है साल 1971। ये वो साल था जब इंपीरियल टबैको कंपनी का नाम
नाम बदलकर इंडियन टबैको कंपनी कर दिया गया था। और पता है 1971 तक आईटीसी ने सिगरेट बेच कर इतना पैसा कमा लिया था कि उसने स्पोर्ट्स इवेंट्स जैसे कि क्रिकेट वगैरह के अंदर भी अपनी स्पॉन्सरशिप देनी शुरू कर दी थी। पर ऐसा क्यों? क्योंकि आईटीसी ये चाहती थी कि इंडिया के अंदर जो टबैको बिजनेस है उसको तो वो डोमिनेट कर ही रहे थे, मगर वो ये भी चाहते थे कि बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर भी लोग उनका नाम जाने। और यहीं से शुरू होती है आईटीसी के बिजनेस एक्सपेंशन की जर्नी। आज अगर आप देखोगे तो आपको आईटीसी सिगरेट के अलावा इन चार अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स के अंदर नजर आएगी, जिसमें सबसे पहला सेगमेंट आता है हॉस्पिटैलिटी। आईटीसी की होटल बिजनेस के अंदर एंट्री होती है साल 1975 में, जब आईटीसी मद्रास के अंदर चोला नाम के एक होटल को एक्वायर करती है, जिसके बाद वो उसका नाम बदलकर रखते हैं आईटीसी वेलकम ग्रुप होटल चोला। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि आईटीसी ने अपने होटल बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एक एसेट लाइट मॉडल का इस्तेमाल किया है, जिसमें होता ही है कि कंपनी खुद प्रॉपर्टी को खरीदने की बजाय प्रॉपर्टी ओनर से एक मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करती है। मतलब कि होटल की जो प्रॉपर्टी है वो होगी किसी और की, लेकिन आईटीसी उसको अपने ब्रांड नेम के अंडर चलाएगी। और पिछले 3 सालों में कंपनी ने जितने भी रूम्स ऐड किए हैं उसमें आधे से ज्यादा रूम उनके मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ही लाए गए हैं। देखो आज आईटीसी के पास इंडिया में 80 से ज्यादा लोकेशंस के अंदर 115 से ज्यादा होटल्स हैं, जिन्होंने साल 2021 के अंदर 663 करोड़ का रेवेन्यू करके दिया, जो कि आईटीसी को इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट होटल चेन बनाती है। पर पता है आज भी आईटीसी का जो ओवरऑल बिजनेस है ना, उसके अंदर जो उनका होटल बिजनेस का शेयर है वो है मात्र 1.13%। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद आता है आईटीसी का दूसरा बिजनेस सेगमेंट, जो कि है पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग। साल 1979 में आईटीसी पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग बिजनेस के अंदर एंट्री लेती है, जिसके लिए वो एक्वायर करते हैं भद्रचलम पेपर बोर्ड्स को। फिर साल 1990 में जाकर आईटीसी एक्वायर करती है त्रिवेणी टिश्यू लिमिटेड को, जो कि उस वक्त पर एक मेजर सप्लायर हुआ करता था सिगरेट टिश्यू पेपर का। और फाइनली साल 2002 में जाकर आईटीसी भद्रचलम पेपर बोर्ड्स और त्रिवेणी टिश्यू लिमिटेड इन दोनों को आपस में मर्ज करती है और एक नया डिवीजन बनाती है, जिसका नाम पड़ता है भद्रचलम पेपर बोर्ड्स डिवीजन। फिर इसके 2 साल बाद यानी कि साल 2004 में कंपनी ने बिल्ट इंडस्ट्रियल पैकेजिंग उनके पेपर बोर्ड बनाने वाली यूनिट को एक्वायर किया, जिससे कि कंपनी का जो लीड टाइम है ना, यानी कि कंपनी को प्रोडक्ट बनाकर पैक करवाकर मार्केट में लोगों को प्रोडक्ट देने तक ये जो पूरे टाइम लगता है ना इस कंपनी को ये करने में, ये टाइम को कंपनी कम कर पाए। अब इससे होता ये कि पहली बात तो कंपनी का लीड टाइम कम होता है, और उसके बाद कंपनी को आजादी मिल जाती है कि अब वो और भी प्रोडक्ट्स बनाकर एक बड़ी रेंज के अंदर खेल सकती है। इसीलिए आज अगर आप देखोगे तो आईटीसी पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर भी एक अच्छे खासे मार्जिन को लेते हुए एक लीडिंग पोजीशन के ऊपर बैठी हुई है। और साल 2021 में आईटीसी ने अपने इसी पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग बिजनेस से 5619 करोड़ का रेवेन्यू किया, जो कि उनके टोटल रेवेन्यू का 9.54% बनता है। अब इस सबके बाद आते हैं आईटीसी के तीसरे बिजनेस सेगमेंट के ऊपर, जो कि है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। देखो 1990 में आईटीसी ने अपने एग्रीकल्चर सोर्सिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए अलग अलग बिजनेस डिविजन को एस्टैब्लिश किया, जहां पर वो अलग अलग एग्रीकल्चर कमोडिटीज को फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे। और आज इनका यही डिविजन इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के मामले में, जिसमें सबसे बड़ा हाथ आता है ई चौपाल का। देखो जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि ई चौपाल आईटीसी का ही एक ऑनलाइन पोर्टल है, जहां पर सारे रूरल फार्मर्स इंटरनेट के माध्यम से अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को आईटीसी को बेच सकते हैं। और ये जो ई चौपाल है, इसकी शुरुआत आईटीसी ने साल 2000 में करी थी एमपी से, जहां पर आईटीसी ने सबसे पहले इसकी मदद से सोयाबीन की सोर्सिंग करी। और आज अगर आप देखो तो यही ई चौपाल देश के 10 अलग अलग स्टेट्स के अंदर 40 लाख से ज्यादा फार्मर्स से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से होता ही है कि आईटीसी सोयाबीन से लेकर कॉफी तक, वीट से लेकर राइस तक, पल्सेस, मेरीन प्रोडक्ट्स जैसे कि मछली प्रॉन्स वगैरह, ये सारा कुछ सोर्स करवाती है। और ये जो ई चौपाल है, ये आईटीसी के 12,800 करोड़ के एग्रीकल्चर बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। और साल 2021 के हिसाब से ना आईटीसी के ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर उनका जो एग्रीकल्चर का बिजनेस है उसका शेयर था 21.88%। और यही चीज लेकर आती है हमको आईटीसी के चौथे बिजनेस सेगमेंट के ऊपर, जो कि है एफएमसीजी। सो देखो ई चौपाल के कारण आईटीसी के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग करने का एक बहुत ही जबरदस्त नेटवर्क तो ऑलरेडी तैयार था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है इन्हीं का इस्तेमाल करके अब एफएमसीजी मार्केट के अंदर भी प्रोडक्ट्स बनाए जाएं। तो अगस्त 2001 में जाकर आईटीसी किचन ऑफ इंडिया इस ब्रांड को लॉन्च करती है, जिसका काम ये था कि
ये लोग रेडी टू ईट डिशेस बनाएंगे। फिर साल 2002 में जाकर आईटीसी कन्फेक्शनरीज और स्टेपल सेगमेंट के अंदर भी एंट्री लेती है, जहां पर इन लोगों ने कैंडीमैन और मिंटो जैसे अलग अलग कैंडी ब्रांड्स लॉन्च किए। और साल 2002 ये वही साल था जब आशीर्वाद आटा भी लॉन्च होता है। फिर उसके अगले साल 2003 में ये लोग बिस्किट मार्केट के अंदर भी एंट्री लेते हैं और लॉन्च होता है सनफीस्ट का ब्रांड, जो कि आज इंडिया का सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला क्रीम बिस्किट का ब्रांड है। अब सब बढ़िया चल रहा था, तभी इन्होंने ये देखा कि इंडिया के अंदर जब से लेज कंपनी आई है तब से पोटेटो चिप्स खाने का जो कल्चर है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इन्होंने साल 2007 के अंदर अपना भी पोटेटो चिप्स का ब्रांड लॉन्च किया, जिसका नाम था बिंगो, जो कि आज इंडिया में स्नैक्स एंड पोटेटो चिप्स के सेगमेंट के अंदर नंबर 2 पे आता है। अब चिप्स में सक्सेसफुल हुए तो इन्होंने देखा भाई नूडल्स भी बहुत चल रही है, जिसको देखो वो मैगी खा रहा है, तो इसलिए फिर उन्होंने साल 2010 के अंदर मैगी का एक कॉम्पिटिटर लॉन्च किया जिसका नाम था यिप्पी। फिर 2014 में गम ऑन च्यूइंग गम, 2015 के अंदर बी नेचुरल फ्रूट जूसेस और आशीर्वाद घी, 2016 के अंदर फेबल चॉकलेट्स और सनबीन कॉफी बीन्स, और 2017 के अंदर मास्टर शेफ मसाले। ऐसे करते करते एफएमसीजी के अंदर अलग अलग ब्रांड्स लॉन्च करते चले गए। पर पता है आईटीसी यहीं पर नहीं रुकती, क्योंकि साल 2005 के अंदर आईटीसी ने पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर भी अपनी मार्केट बनानी शुरू कर दी थी। जैसे साल 2005 के अंदर एसेंजा डी विल्स, फियामा, विवेल और सुपीरिया जैसे प्रीमियम साउंड करने वाले ब्रांड्स लेकर आए। और इसी पर्सनल केयर पोर्टफोलियो को और ज्यादा मजबूत करने के लिए साल 2013 के अंदर आईटीसी एंगेज परफ्यूम को लॉन्च करती है। अब देखो ये सब कुछ चल ही रहा था कि इतने में ये लोग देखते हैं कि डिटॉल का क्रेज भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है, इसलिए साल 2015 के अंदर फिर ये एक्वायर करते हैं सेवलॉन कंपनी को। और इन्हीं सारी चीजों के चलते साल 2021 के अंदर आईटीसी के पूरे एफएमसीजी बिजनेस ने 14,756 करोड़ का रेवेन्यू किया, जो कि टोटल आईटीसी के रेवेन्यू का 25.07% है। लेकिन इस सब के बावजूद आज भी आईटीसी सबसे ज्यादा पैसा अपनी सिगरेट्स बेचकर ही कमाती है, क्योंकि साल 2021 के अंदर आईटीसी ने 22,557 करोड़ ये पैसा कमाया था सिर्फ सिगरेट बेचकर, जो कि उनके टोटल रेवेन्यू का 38.32% बनता है। और यही नहीं, साल 2022 के अंदर आईटीसी ने जितना भी प्रॉफिट बनाया था ना, उसमें से 78% प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ सिगरेट बेचकर आया था। और आज आईटीसी का जो भी बिजनेस एम्पायर है वो सारा का सारा सिगरेट के पैसों पर ही बनाया गया है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर आईटीसी ने ये सारा कुछ किया कैसे, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही हैं, लेकिन कोई भी कंपनी इतनी तेजी से एक्सपैंड नहीं कर पाई जितनी तेजी से आईटीसी ने किया। तो आखिर आईटीसी ने कैसे कर दिखाया? तो देखो आज हम आईटीसी का ये जितना भी बिजनेस एक्सपेंशन देख पा रहे हैं ना, ये सारा कुछ एक ही इंसान की वजह से है, और उस इंसान का नाम है योगेश चंद्र देवेश्वर। देखो साल 1968 में मिस्टर देवेश्वर अपना कॉलेज खत्म करने के बाद आईटीसी को ज्वाइन करते हैं एज अ डायरेक्टर, और 1966 आते आते देवेश्वर आईटीसी के सीईओ और चेयरमैन की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस सफर के अंदर साल 1991 से लेकर 1994 तक इन 4 सालों के लिए मिस्टर देवेश्वर आईटीसी को छोड़कर एयर इंडिया में जाकर काम करते हैं। और जिन 4 सालों के लिए देवेश्वर आईटीसी छोड़कर एयर इंडिया गए, उन 4 सालों के अंदर आईटीसी की ग्रोथ एकदम कम हो गई। यहाँ तक कि जब मिस्टर देवेश्वर की डेथ हुई थी तब खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी तक ने ट्वीट करके ये कहा था कि वाईसी देवेश्वर एक बहुत ही बड़ा रोल निभाते थे आईटीसी की ग्रोथ के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वाईसी देवेश्वर ने ऐसा किया क्या कि आज आईटीसी इतना बड़ा ब्रांड बन गया? तो देखो इसमें जो पहली चीज आती है वो आती है वर्टिकल इंटीग्रेशन। मिस्टर देवेश्वर ने मल्टीपल स्टेप्स उठाए ताकि वो वर्टिकल इंटीग्रेशन की स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर पाए, जो कि सबसे पहले आईटीसी ने किया पैकेजिंग बिजनेस के अंदर। जब आईटीसी का सिगरेट टिश्यू पेपर बनाने का बिजनेस सेटअप हो चुका था, तो उसके बाद अपने इसी बिजनेस को आगे पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग मटेरियल बनाने के काम के अंदर एक्सपैंड किया। इसके बाद इसी चीज को और आगे एक्सपैंड करते चले गए, और उसके बाद स्टेशनरी मार्केट के अंदर भी एंट्री ली, तभी आप आज की डेट में देखते हो कि आपको क्लासमेट और पेपर क्राफ्ट जैसे ब्रांड्स मिलते हैं। अब फिर इसी का दूसरा एग्जांपल आता है उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर। देखो पहले फार्मर्स की मदद करने के लिए ईचोपाल लेके आए, फिर अब ईचोपाल के चलते आईटीसी का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग है उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इन्होंने कहा कि अब एफएमसीजी मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं। फिर आशीर्वाद आटा, यिप्पी नूडल्स, सनफीस्ट, बी नेचुरल, ऐसे सारे के सारे ब्रांड्स लॉन्च करते चले गए। इस स्ट्रेटेजी से हुआ ये कि आज आईटीसी के पास अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जिसके बाद आती है आईटीसी की दूसरी स्ट्रेटेजी, जो कि है मल्टीपल ब्रांड्स ऑफ वन प्रोडक्ट। देखो आज आईटीसी के पास 6 अलग अलग होटल के ब्रांड्स हैं, जिसके अंदर बजट होटल से लेकर लग्जरी होटल्स तक हर टाइप का होटल आता है। तो इससे होता ही है कि सारे कस्टमर्स, चाहे वो बजट होटल वाला कस्टमर हो चाहे
चाहे वो लग्जरी वाला कस्टमर हो, ये सारे कस्टमर्स आईटीसी के पास ही पहुंचते हैं। यहाँ तक कि सिगरेट के अंदर भी आईटीसी 6 अलग अलग ब्रांड्स बेचता है। इसके अलावा परफ्यूम के भी 3 ब्रांड्स हैं, साबुन के भी 3 ब्रांड्स हैं। अब देखो, इस मल्टीपल ब्रांड स्ट्रेटजी से होता ये कि आईटीसी का जो टारगेट मार्केट है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि अब आईटीसी के प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्रोडक्ट लेने वाला कस्टमर भी लेगा और अमीर व्यक्ति भी आईटीसी का कंज्यूमर बन जाएगा। इन दोनों स्ट्रेटजी से हुआ ये कि आज आईटीसी के पास बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका जो टारगेट मार्केट है ना, वो बहुत बड़ा है। ये अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स में भी काम कर रहे हैं और उस बिजनेस सेगमेंट के अंदर भी अलग अलग प्रोडक्ट की रेंजेस हैं। तो हर तरीके का, हर बिजनेस का और हर तरीके का कस्टमर आज आईटीसी के पास आकर प्रोडक्ट ले रहा है। लेकिन अभी अगर आप कुछ ही दिन पहले देखोगे तो एक खबर निकल कर आई कि आईटीसी अपने होटल बिजनेस को अपने पेरेंट कंपनी से डीमर्ज कर रही है। तो आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, जरा इसको भी समझते हैं। जुलाई 2023 को आईटीसी अनाउंस करती है कि वो अपने होटल बिजनेस को डीमर्ज करके आईटीसी होटल्स लिमिटेड नाम से एक नई सब्सिडियरी कंपनी खोलेगी। अब देखो, आज अगर आप देखोगे तो आईटीसी होटल्स का जो 40% है उसको आईटीसी लिमिटेड होल्ड करती है और बाकी का जो 60% स्टेक है वो है डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के पास। और साल 2023 के अंदर आईटीसी ने अपने होटल बिजनेस से जो ओवरऑल रेवेन्यू कमाया था, वो रेवेन्यू था उनके पूरे ग्रुप के रेवेन्यू का 4%, और सिर्फ 2% प्रॉफिट ही उनका आया था इस होटल बिजनेस से। लेकिन वहीं पर अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखो तो आईटीसी लिमिटेड के जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना, उसका 11% सिर्फ उनके होटल बिजनेस के ऊपर खर्च होता है। पर आखिर प्रॉब्लम क्या है, आईटीसी आखिर अपने होटल बिजनेस को डीमर्ज कर क्यों रही है? तो देखो, इसके पीछे ये 2 कारण है, जिसमें पहला कारण बनता है रिडक्शन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरीज एंड सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार इस डीमर्जर के चलते आईटीसी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो काफी ज्यादा कम होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अब दोनों कंपनीज जब डीमर्ज होकर अलग हो जाएगी तो जो होटल बिजनेस के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो उनकी पर्टिकुलर बैलेंस शीट के अंदर ही दिखाई देगा, वो आईटीसी की मेन बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देगा। और दूसरा कारण है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो, जब ये कंपनियां अलग अलग हो जाएगी तो आईटीसी के फाइनेंशियल्स के अंदर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है वो बढ़ जाएगा, तो शेयर होल्डर्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है। आरओआई बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स और ज्यादा इसके स्टॉक को खरीदना चाहेंगे और धीरे धीरे शेयर प्राइस भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और यही चीज लेकर आती है हमको इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की तरफ, कि वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसन है जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो देखो, सबसे बड़ी चीज जो आईटीसी से सीखने के लिए वो है वन स्टेप एट अ टाइम। देखो, आईटीसी के केस के अंदर वो सबसे पहले तंबाकू को डायरेक्टली फार्मर से खरीदकर डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचती थी। फिर जब उनको मार्केट के अंदर पोटेंशियल नजर में आया तो उन्होंने तंबाकू से सिगरेट बनानी शुरू कर दी। फिर जैसे जैसे सिगरेट की मार्केट ग्रो होनी शुरू हुई तो खुद की पैकेजिंग की फैक्ट्री भी लगा दी, क्या पैकेजिंग भी हम ही कर देंगे। अब सिगरेट का मार्केट तो कैप्चर कर लिया, सिगरेट से तो बहुत पैसे आ रहे हैं, तो उसके बाद क्या किया, होटल लाइन के अंदर घुसे, फिर एग्रीकल्चर के अंदर घुसे, फिर FMCG में एंट्री ली, फिर IT में घुसे और आज की डेट में अगरबत्ती तक भी बनाती है ये कंपनी। मगर ध्यान देना, एक एक बिजनेस के अंदर एक एक करके घुसे, वन स्टेप एट अ टाइम। क्योंकि देखो, जब आप स्टेप बाय स्टेप बिजनेस को एक्सपैंड करते हो ना, तो आपके लॉस होने का जो रिस्क है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। अब आते हैं दूसरे लेसन पर, जो कि है ब्रांडिंग मेक्स ऑल द डिफरेंस। देखो, बिजनेस को एक्सपैंड करते वक्त आईटीसी ने ब्रांडिंग का खास ख्याल रखा। पहले इंपीरियल से इंडियन टबैको कंपनी पर आए और उसके बाद नाम चेंज कर दिया I.T.C। लेकिन जब साल 2002 से लेकर 2003 के बीच में क्लासमेट और पेपरक्राफ्ट जैसे ब्रांड्स को लॉन्च करना था जो कि नॉर्मल बच्चों को सर्व करे, तो वहां पर I.T.C को बदलकर कर दिया ITC। क्योंकि देखो, ITC को पता था कि उनका जो नाम है ना वो सिगरेट्स के लिए फेमस है, लेकिन अब वो अलग अलग बिजनेसेस में एंट्री ले रहे थे और यहां पर वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कस्टमर्स उनको सिगरेट की नजर से देखें, बल्कि वो चाहते थे कि कस्टमर्स देखे कि एक FMCG कंपनी है जो अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर काम करती है। और यही कारण है कि आज की डेट में आईटीसी, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी टबैको कंपनी है, इस बात का ऑलमोस्ट सबको पता है। मगर जब भी हम लोग आईटीसी का नाम सुनते हैं या उसका कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो करते वक्त हमारे दिमाग में कभी भी तंबाकू नहीं आता, बल्कि हमारे दिमाग में ये आता है कि आईटीसी एक FMCG कंपनी है। पर देखो, बिजनेस के अंदर ना एक एक स्टेप बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर लेना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज आपको एक्चुअली में सक्सेस दिला रही है ना, वही चीज आपके फेलियर का कारण बन जाती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है पिज्जा हट। साल 2017 से पहले पिज्जा हट बहुत ही स्पीड से एक्सपैंड कर रहा था, लेकिन आज की डेट में पिज्जा हट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। फ्रेंचाइजीज लॉस में जा रहे हैं, आउटलेट्स बंद होते जा रहे हैं और आज पिज्जा हट की तरफ कोई मुड़कर भी नहीं देखना चाह रहा। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं,
पिज्जा हट का ये जो डाउनफॉल है ना, इसके पीछे उनका सक्सेस ही उनका रीजन है। मतलब जिस चीज की वजह से उनको सक्सेस मिली, आज उसी की वजह से वो बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? आखिर पिज्जा हट ने ऐसी कौन सी गलतियां करी? और सबसे जरूरी कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है, जो पिज्जा हट आज की डेट में कर रहा है। अगर आप भी ये सारी चीजें जानना चाहते हो ना अपने बिजनेस के अंदर, तो ये राइट वाली वीडियो जरूर से देखना।